आप जिनको पिता कहते हैं, ससुर कह सकते हैं, पता नहीं मुझे जो इस रिलेशन को क्या नाम दिया जाए, अगर वो चाहते हैं कि अपने बेटे से आपकी शादी करा दे तो आप तैयार हैं? कोई ऐसा भी आपका मित्र है जो आपकी सारी बातों को जानता हो? सोशल मीडिया पर एक जो है न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है, आरती यादव और छोटू यादव की प्रेम कहानी का, और इस प्रेम कहानी का जो है कहीं ना कहीं जो है परिप्रेक्ष्य पूरे बिहार में जो है अभी तक तो सही नहीं जा रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम आए हैं और आरती से मेरे कुछ सवाल हैं, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे जो भ्रामक तथ्य जो फैलाए जा रहे हैं उन पर विराम लग जाएगा, और इसको विराम लगाने के लिए आरती का जवाब देना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला सवाल, छोटू और आरती आप दोनों के बीच में प्रेम कहानी का शुरुआत कब से हुआ, कितना दिन पहले से? दो साल पहले से जो है, जिस दिन छोटू यादव की मौत होती है उस दिन क्या आरती से छोटू यादव की बात हुई थी? उससे पहले भी किए थे, उस दिन उस रात में आने की किए थे बात उनको, लेकिन ऐसे मैटर में नहीं बताया कि आपके भाभी बोले। एक बार जब बोले भी तो हम बोले कि प्लीज आप मत आइएगा, तो बोले कि ठीक है देखते हैं। फिर भाभी मेरे सामने भी कॉल की 8 बजे के लोग सामने कॉल की, तो बोले क्या कि ठीक है आइए, अब इतना दिन हो ही गया तो शादी का जो है मकसद मतलब सॉल्व करवा देंगे, आइए ठीक है। तो भी सोचे क्या कि ठीक है जाते हैं, तो गए तो उस रोज ननिहाल है यहाँ उसका, उनको पहले ननिहाल गए वहाँ वहीं पे गए थे ननिहाल गए तो फिर वहाँ पे जो है। इसके पहले भी आपकी भाभी जो छोटू यादव से बात करती थी? एक साल पहले भी किए थे बात, एक साल पहले भी सारा बात उससे बोले थे। मतलब केवल उस दिन आपके भाभी का पहला कॉल था पूरे साल भर में, या और भी समय बात करती थी वो आपकी भाभी? उतना नहीं करती थी बात, उससे नहीं किए थे बात। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जिस रात की बात हो रही है उस रात का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कहा जा रहा है कि आरती और छोटू यादव बात कर रहे हैं। उस ऑडियो के बारे में आपने सुना है नहीं सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें एक चीज़ कहा जा रहा है कि आपके पास कोई है क्या आरती, तुम्हारे पास कोई है क्या, इस तरह का सवाल बार बार जो है छोटू यादव तथा कथित छोटू यादव की तरफ से दागे जा रहे हैं। उस समय आपने जो है जवाब दिया है कि नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, वो ऑडियो आपका है या नहीं है? वो ऑडियो आपका नहीं है, वो फेक ऑडियो है। इस पूरे मामले में अब तक जो है पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है वो आपके नज़र में कैसा रहा? ठीक ही चल रहा है, जो कानून है कानून तो कानून के तहत चलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। प्रशासन के जो कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, अभी तक के प्रशासन के कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? काम तो करते ही हैं, उनको कानून पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, तो करेंगे। आरती, क्या जब आप बार बार जो है सोशल मीडिया से ही हमको सुनने को मिला जो है कि आप चाहती हैं कि मैं छोटू यादव का विधवा बन के रहूँ जो है, क्योंकि अभी आपकी उम्र जो है समझ वाली नहीं है, तो ये आपका मंशा है या मतलब कोई दबाव है इसके लिए आप? चलिए कोई बात नहीं, इस चीज़ को जो है मौन आपने ये कर लिया। इस पूरे घटना में सबसे बड़ा हाथ किसका है, किसका हाथ आप मानती हैं इस पूरे घटना में सबसे बड़ा जो मतलब अक्यूज्ड है, जो कि मतलब सबसे बड़ा जिसने इस पूरे प्रकरण को अंजाम देने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाया, किसको मानती हैं आप? आपकी भाभी। और इसमें आपके जीजा का क्या रोल है? उसका जीजा, वो भी धमकी देते थे कि दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगे, दोनों को मार देंगे, उस रोज भी धमकी दिया कि दोनों को एक साथ मार के बना। आपके जीजा जी, आपके जीजा की जब शादी जो कितने दिन पहले हुई थी आपके यहाँ? 12 या 13 में हुआ था जो है। बच्चे हैं उनके? दो बच्चे हैं जो। इस पूरे प्रकरण में जो है सबसे बड़ा हाथ आपने बताया कि आपके भाभी का है जो है, आप इस चीज़ को जो है कह रही हैं कि आपके भाभी का हाथ है, ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपकी भाभी जो है छोटू से आपकी शादी नहीं करने देना चाहती थी? क्या पता उसका मन में क्या था, नहीं था। मेरे प्रति समथिंग नेगेटिव है, तो हर जब से आई है मेरे प्रति नेगेटिव ही सोच है। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आपकी भाभी जो है अपने भाई से आपकी शादी कराना चाहती थी, इसके बारे में जानकारी थी क्या? नहीं थी जी, नहीं थी जानकारी जो है।
आपकी इस पूरे घटनाक्रम में आपका जीजा का जो रोल है जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा संदेहास्पद बताया जा रहा है, तो आप कैसा मानते हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपके जीजा का रोल कैसा है? आरती, आप किस जॉब में थी? जॉब मैं नौकरी, किस नौकरी में थी आप? हाँ, सीएम का काम कर रही थी, समझ रही। कम्युनिटी मोबिलाइजर की काम कर रही थी, जीविका का वो अंग है जी। और कम्युनिटी मोबिलाइजर में काम करते के साथ में जो है उसी समय से आपको छोटू से जान पहचान हुआ? अच्छा, ननिहाल जाता था, तो ननिहाल के दौरान ही, जब बाकी वर्किंग क्षेत्र में उसका कोई योगदान नहीं था। कोई ऐसा भी आपका मित्र है जो आपकी सारी बातों को जानता हो अभी तक? जैसे होता है कि हमारे दोस्त होते हैं जो है जिनसे हम हर चीज़ साझा करते हैं, कोई ऐसा लोग है जो 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 कि आपके प्रेम प्रसंग के बारे में जानता हो? आपके छोटू यादव के पिता से बात जो है पहले भी हुई थी? आपने पहली बार छोटू यादव के पिता से कब बात की? उसी बात नंबर था तो मम्मी से बात किए थे। नंबर आपको छोटू यादव दिए थे? पहले यही नंबर रखते थे। अच्छा, पहले छोटू यादव ही उस नंबर को यूज करते थे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी हो रहा था कि नंबर कैसे आया, तो छोटू यादव पहले वो नंबर यूज करते थे, बाद में उनके पापा यूज करने लगे, इसलिए वो नंबर पहले से आपके पास था, ये कहना चाह रही है? दीदी का नंबर थे, भैया का नंबर थे मेरे पास। लास्ट सवाल हम आपसे लेंगे जो है, बिल्कुल क्लियर कट जाए। आप एक चीज़ बताइए जो है, आपका उम्र अभी जो है 19-20 का हो रहा है और अभी आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम वो सवाल कर पाए जो है जो आपको समझ में आए जो है, लेकिन अगर आपके ससुर आप जिनको पिता कहती हैं, ससुर कह सकती हैं, पता नहीं मुझे जो इस रिलेशन को क्या नाम दिया जाए, अगर वो चाहते हैं कि अपने बेटे से आपकी शादी करा दे तो आप तैयार हैं? अगर वो चाहते हैं तो आप तैयार हैं? चलिए, इन चीज़ों में आरती ने जो है चुप्पी साध लिया, कहीं ना कहीं जो है अभी आरती कोई चीज़ सूझ नहीं रही है जो है, और मैं यही कहूँगा बार बार, मैं अभी भी अनुरोध कर रहा हूँ उन तमाम मीडिया कर्मियों